नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। भूमि आंदोलन के अग्रणी और राम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष और दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस की आज 17वीं पुण्यतिथि संतों ने दिगंबर अखाड़ा में मनाई। अयोध्या के संतों ने दिगंबर अखाड़ा में पहुंचकर महंत परमहंस दास को पुष्प अर्पित किया। दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने दावा किया है कि आज जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसके पीछे तीन प्रमुख चेहरे रहे हैं। पहला गौरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ, हनुमानगढ़ी के संत अभिराम दास और दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस प्रमुख चेहरे थे। महंत सुरेश दास का कहना है कि 1950 से पूर्व अगर मूर्ति को राम जन्मभूमि स्थल पर नहीं रखा गया होता तो आज फैसला नहीं हो पाता। इन तीनों अग्रणी चेहरों ने राम मंदिर के लिए अहम भूमिका निभाई है। महंत सुरेश दास चाहते हैं कि 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला भूमि पूजन की जाए तो उस समय राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार सेवकों और उनके चेहरों को भी बुलाया जाना चाहिए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। महंत सुरेश दास ने दिगंबर अखाड़ा में राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल का अयोध्या के कुछ संतों के साथ विरोध किया था जिसमें उनकी मांग थी कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का स्वरूप विराट होना चाहिए। महाराज जी की 17वीं पुण्यतिथि है, राम जन्मभूमि के आंदोलन करने वाले महाराज जी 1947 में मूर्ति महाराज जी ने रखा, अभी रामदास जी और महाराज जी और गोरखपुर के श्री दिग्विजय नाथ जी, अगर उस समय मूर्ति नहीं रखी जाती तो आज मंदिर निर्माण होता नहीं, मस्जिद रहता। तो महाराज जी का जो मनोकामना था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो, आज महाराज जी का जो मनोकामना है वो पूर्ण होने जा रहा है। तो महाराज जी कहीं भी होंगे, जिस रूप में होंगे, वैसे साकेत में हैं वो, तो जब वो देखेंगे सुनेंगे तो बहुत हर्ष होंगे कि हमारा जो मनोकामना था अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो वो निर्माण होने जा रहा है और योगी जी के और मोदी जी के कार्यकाल में ही होने जा रहा है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।